हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत है मेरे चैनल फाइव साई पर। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और दो चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक तो हमारे पास आ गई ऑप्टिकल डेंसिटी और जो दूसरा है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये दोनों टॉपिक कोई बड़े ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इनके बारे में इनके जो एप्लीकेशन है, इनकी जो मतलब जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, अब हमने मास डेंसिटी के बारे में तो सबने सुना, अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी कहाँ से आ गई? देखिए, जब भी लाइट, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, और इस रीजन में कोई कोई पार्टिकल को इस जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ओके, अब सपोज़ जो मीडियम है, ये मीडियम जो है, इस मीडियम की मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, मास डेंसिटी जो है क्या होती है? मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इस पार्टिकल की जो स्पीड है या इस पार्टिकल का जो मोशन है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। ओके, अगर तो ये मीडियम ज़्यादा डेंस है, तो ऑब्वियसली ए से बी में अगर पार्टिकल जाएगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी जाने में, ठीक है। लेकिन अगर यही पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी कम है, तो ये इजली ज़्यादा आसानी से पहुंच पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी भी हमारे पास ऐसा ही कोई कंसेप्ट है, जिसमें अब इसमें जो सपोज हमारे पास ये कोई मीडियम है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अब हमारे पास जो ट्रैवल करना है वो है लाइट। तो लाइट जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, तो लाइट को भी कुछ इसी तरह का उसको भी इसी तरह से कुछ एक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो उनका सामना करना पड़ेगा। तो अगर तो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे यहाँ मास डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी? यहाँ पर स्लो हो जाएगी, ठीक है। और अगर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो लाइट की स्पीड जो होगी इस मीडियम में ज़्यादा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली ये हमारे को ये बताता है कि लाइट जो है वो जो जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही है, वो मीडियम में उसकी स्पीड ज़्यादा है या उसकी स्पीड कम है। ओके, तो दो तरह के हमारे मीडियम होते हैं। एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। दो तरह के मीडियम आ गए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब हमने लाइट का, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसिटी के मतलब ऑप्टिक्स, लाइट की स्टडी है तो लाइट के हिसाब से बताएंगे। अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये है, ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर मीडियम कौन सा है? ऐसा मीडियम, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना भूल गया, सबसे पहली बात ये है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है जो ऑप्टिकली रेयर है, ये एक रिलेटिव चीज़ है। अब ये रिलेटिव चीज़ का क्या मतलब, रिलेटिव चीज़ का, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास ये ए, ये बी और ये सी, ये तीन आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर फ्रेंड मैं आपको पूछूं कि बी बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि बी सी से तो बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। तो इसका मतलब बी बड़ा है कि छोटा है, ये बताने के लिए मुझे किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से ऑप्टिकल मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है जो ऑप्टिकली रेयर है, ये
हम किसी और मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू बता सकते हैं। सपोज आपके पास दो मीडियम दे दिए मैंने, एक एयर दे दिया और ग्लास दे दिया जी भाई, और आपको मैं पूछता हूँ कि बताइए जी इसमें इसमें रेयरर कौन सा डेंसर कौन सा, तो मैं बता सकता हूँ बिकॉज आई हैव टू पेयर्स, ओके। लेकिन अगर मेरे को एक ही मीडियम दे दिया, ग्लास दे दिया, अब मेरे को बोले कि जी बताओ जी ग्लास की ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयरर है, तो मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए जब भी हमारे पास हम ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात करते हैं तो उसका मतलब सिंपल है, वो ये कि हमारे पास दो मीडियम होने चाहिए ये बताने के लिए कि ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकली रेयर, ओके ठीक है। तो अब सीधे आ जाते हैं कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अब मैंने कहा दो मीडियम होने चाहिए, दो में से जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी वो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेसर, लिखूंगा मैं, ओके। लेसर मतलब एज कंपेयर टू अदर मीडिया मीडियम, सॉरी। तो दूसरा आ गया ऑप्टिकली रेरर मीडियम। तो ऑप्टिकल रेरर मीडियम क्या होता है, दी वेलोसिटी जिसमें ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दो अगर हमारे पास मीडिया है, पेयर ऑफ मीडिया, उसमें से जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी वो डेंसर, और जिसमें ज़्यादा होगी वो रेयर। बड़ा ही आसान है, ओके। हम दोनों कंपेयर कर बता सकते हैं कौन सा ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है और कौन सा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और इसी चीज़ को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे डिफाइन की जाती है, वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड किस हिसाब से है, ओके। लाइट की स्पीड अगर मीडियम में कम है और कम हो रही है, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा है, ओके। अब ये तो पढ़ लिया हमने, अब एक और बात हम यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट करेंगे, वो क्या है, वो ये है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं, ओके। अब वो कैसे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ की मास डेंसिटी ज़्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमारे पास कहीं ऐसा कोई ऐसा मीडियम हो जिसकी मास डेंसिटी तो ज़्यादा हो लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम हो। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल जो है कैरोसिन ऑयल जो हैज़ लेस मास डेंसिटी देन वाटर। अब कैरोसिन ऑयल जो है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, मास डेंसिटी, बट कैरोसिन ऑयल इज ऑप्टिकली मोर डेंसर देन वाटर। लेकिन जो कैरोसिन ऑयल है वो वाटर से ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है, ठीक है जी। इसका मतलब ये भी है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑब्वियसली इससे इसका ये भी मतलब कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का, अब एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़, अब हमने बोला कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी या जो भी कम है। अब देखिए एक और चीज़ से डिफाइन करेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी, एक तो ये हो गया है ना, तो वी नो दैट, क्या अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
एन किसके बराबर होता है, सी अपॉन वी, ये फॉर्मूला पढ़ा। ओके, अब इस फॉर्मूले से हमने ये देखा, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है ये डिनोमिनेटर में तो एन विल बी मोर, और ऑप्टिकल रेयर मीडियम है तो वी की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी तो एन की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है जी, इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो देखिए दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम होती है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम कौन सा है जिसमें लाइट की वेलोसिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका कम होता है, ठीक है जी। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा डेंसर जो नेचुरल सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या होता है, डायमंड। सो डायमंड की सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का अबाउट 2.42। ओके ओके जी, ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक और जो किसके ऊपर था, ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, तो हमारा टॉपिक आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए मोटे तौर पे हम ये बोल सकते हैं, ये लॉ बेसिकली ये बताता है कि ये लॉ एक जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू पहले के उसके का रिलेशन के बारे में बताएगा, ठीक है जी। अब इसके लिए सपोज हमारे पास ये एक कोई ग्लास स्लैब है, ओके। इसको हम यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से एक लाइट आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जी, ठीक है। ओके, ये लाइट जो करेगी ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है जी। और फिर उसके बाद अगर ये स्लैब नहीं होती तो लाइट आगे चली जाती, ठीक है जी। और उसके बाद ये लाइट जो है वो यहाँ जी, इसको मैं I1 लिख देता हूँ, सॉरी इसको मैं I1 लिख देता हूँ, इसको मैं R1 लिख देता हूँ, इसको मैं I2 लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ R2। ओके जी, ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। इस मीडियम को मैं एयर मान लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास ग्लास स्लैब ग्लास, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर ये भी एयर आ गई, ठीक है। ओके, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाती है, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड करती है, ठीक है।
ठीक है, और अगर इसे उल्टा हो डेंसर से रेयर जाता टू रेयर, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए एयर और ग्लास में से दोनों को देखना है हमें, एयर और ग्लास में से डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो यहाँ से लाइट आई तो बेंड्स होगी, वो जो यहाँ पे लाइट आ रही थी वो इधर को बेंड होगी, ठीक है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे ग्लास एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसलिए ये नॉर्मल, ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको एन टू लिख देते हैं, इसको एन वन लिखते हैं, एन वन एन टू, ये नॉर्मल, ठीक है, ओके। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले जब जो इंसिडेंट रे और इस यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे, इसके ऊपर स्नेल लॉ लगाते हैं, ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ यूज़ करते हैं, तो स्नेल लॉ को जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे साइन आई वन साइन आर वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मैं इसको सेकेंड मीडियम मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट मीडियम, ओके, ये दोबारा फर्स्ट मीडियम, ठीक है जी, ये पहली इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर वन, और दूसरी इक्वेशन अब यहाँ पे लगाते हैं, इस यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसको लिखते हैं साइन ऑफ आई टू डिवाइड बाय साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव, अब देखिए दूसरे से पहले में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप सिमिट्री से देखें तो एंगल आई वन जो है, क्योंकि ये और ये लाइंस इसकी जो डायरेक्शन ये आपस में पैरेलल में पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, तो एंगल आई वन इज इक्वल टू एंगल आर टू, ठीक है, और दूसरा ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये भी और ये दोनों पैरेलल है, नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं सरफेस पे, तो एंगल आर वन इज इक्वल टू एंगल आई टू भी हो गया हमारे पास, ये सारी चेंजेस हम यहाँ पे कर देते हैं, कम से कम एक इक्वेशन में कर देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में करता हूँ मैं, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, पुटिंग थ्री इन टू थर्ड इक्वेशन को सेकंड में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई टू, आई टू किसके बराबर है, आर वन, यहाँ पे पुट किया हमने, ठीक है, आई टू की जगह आर वन, और आर टू, आर टू किसके बजाय किसके बराबर है, आर टू आई वन के बराबर, ये क्या आ गया, एन वन टू, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये बनता है साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन टू, ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर फोर देते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर फोर को देखूं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखूं और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करूं, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, इसका मतलब ये है, मैं लिख सकता हूँ दैट एन वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन एन टू वन, ठीक है, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूँ एन वन टू इन टू एन टू वन इज इक्वल टू टू वन, देखिए ये रिलेशन बताता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब ये है कि सुपोज सुपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलरली एक अगर मिरर लगा दूँ तो क्या होगा, लाइट इस पे पड़ेगी, देखिए जब परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपको पता है, ठीक है, तो लाइट इसी पाथ से सेम इसी पाथ से वापस चली जाएगी, ओके, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि
लाइट जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस भी जा रही है. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इसका मतलब ये भी है, ठीक है, इसका मतलब ये भी है दैट द इमेज, याद रखिएगा इस बात को, द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट पोजिशंस कैन बी इंटरचेंज्ड, कैन बी इंटरचेंज, ठीक है. और इन पोजिशन कहते हैं, दीज पोजिशंस आर कॉल्ड कंजुगेट पोजिशन. ओके जी, अब आप देख सकते हैं कोई खास मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है. और इससे हम अलग अलग यू नो और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं. और जो है सीबीएसई में भी कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है. डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछा गया, लेकिन ये है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में और बाकी चीज़ों में इसका काफ़ी यूज़ होगा आपको, ठीक है जी. तो बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेटर शिफ्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर रिफ्रैक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे एप्लीकेशन, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. ओके, तो तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं.